मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग प्रीपोजिशन का कॉमन एरर देखते हैं पार्ट थ्री। आज ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें चार ऑप्शन है। पहला है आई वॉज शॉक्ड टू हियर, दूसरा है दैट हिज फादर, तीसरा है डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, और फोर्थ है आपका नो एरर। यही ना आपका है। तो गौर कीजिएगा, इस तरीके का अगर प्रश्न है तो जिस प्रश्न में आपको गलतियां नजर आती है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। तो गौर करते हैं। पहला, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। देखिए, शॉक के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन में कहीं गलतियां नहीं है, दूसरा में प्रीपोजिशन नहीं है तो अभी कोई संभावना नहीं बन रहा है, तीसरा में देखो जब सबसे पहले आप जब कॉमन एरर चेक करें तो सबसे पहला देखिएगा प्रीपोजिशन और आर्टिकल देखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे डाइड के साथ ऑफ का प्रयोग किया है तो डाइड के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन आते हैं। अब देखिए कहाँ पे क्या आता है, जैसे डाई के साथ इन का भी प्रयोग होता है, डाई के साथ ऑफ का भी प्रयोग होता है, डाई के साथ आउट का भी प्रयोग होता है, और डाइड के साथ आपका फ्रॉम का भी प्रयोग होता है। जब आप किसी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं तो डाइड इन होता है, जब आप किसी डिजीज से बीमारी से मरते हैं डाइड ऑफ होता है, और अगर आप जो है भूख से मर जाते हैं, भूख से हंगर, भूख से मरते हैं तो फ्रॉम लगता है, और अगर आप लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, जब लंबे समय तक ना के बाद आप मरते हैं तो उसके लिए हम लोग आउट लगाते हैं। यहाँ पे देखिए किस चीज से मरा है, ये एक्सीडेंट से मरा है, तो एक्सीडेंट के लिए यहाँ पे ऑफ ना होकर क्या होता है, इन, यानी ऑप्शन कौन हो जाता, सी पर क्या कर देते, क्लिक कर देते, आंसर माउस को ले जाते, ऐसे रहता ए बी सी डी, नहीं माउस को कहाँ पर लाते, यहाँ पे, यही पे ना क्लिक करते, तीर को लाते माउस को, माउस के तीर को नहीं लाते, माउस के पॉइंटर को लाते, किसको लाते, पॉइंटर को, और वहां पे क्लिक कर देते। करेक्ट है। लेफ्ट मारते कि राइट मारते, लेफ्ट क्लिक कि राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, दो बार मारेंगे तो क्या होगा, दो बार क्लिक अगर मार दिया जाए हट जाएगा। चलिए, आई मस्ट स्टार्ट एट डाउन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। देखिए अब प्रीपोजिशन खोजो, एक इसके साथ है, ये एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यही तो है। ठीक है। अब स्टार्ट एट डाउन, देखो यहाँ पे जो डाउन लिखा है तो डाउन और डस्क होता है, डाउन और डस्क, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद, यानी रात शाम के समय जो लालिमा होती है, जो सूर्य छिपता है, और एक सुबह में सूर्य उदय होने से पहले जो लालिमा होती है वही डाउन डस्क होता है। नहीं, डाउन का मतलब क्या होता है ये, और डस्क का मतलब, दोनों के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, तो एट डाउन में कोई दिक्कत नहीं है, और टू रीच द स्टेशन, स्टेशन जाने की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ रहा है इसी में, अब देखते हैं, एक होता है ऑन टाइम और एक होता है इन टाइम। ऑन टाइम और इन टाइम में क्या अंतर है समझिएगा, ऑन टाइम बिल्कुल निश्चित फिक्स समय पर, और इन टाइम बिफोर की बात करेगा। आप ही बताइए, आई मस्ट स्टार्ट डाउन रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचना होगा तो हम लोग बिल्कुल निश्चित समय पर वहां पहुंचना चाहिए कि पहले पहुंचना चाहिए, बताया जाए, पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन वहां लिखा है, पढ़िएगा क्वेश्चन आप देखें, आई मस्ट स्टार्ट एट डाउन टू रीच द, मैं अवश्य सूरज डूबने से पहले क्या करता हूँ, स्टेशन पहुंचूंगा ना, बिल्कुल समय कर रहा है, फिक्स टाइम की बात कर रहा है, मस्ट लगा दिया, जोर दिया है, तो यहाँ पे इन टाइम ना होके क्या होना चाहिए था, ऑन टाइम होना चाहिए था, मस्ट लगा दिया है, अवश्य पहुंच जाना चाहिए हम लोग को इतना बजे तक। आई शैल पुट ऑन, यहाँ पे है पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड के साथ, फॉर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आई पुट ऑन अ नोट, देखिए वहां रिगार्ड के साथ फॉर लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत यहाँ पे पुट के साथ है, किसके साथ है, पुट के साथ है, पुट के साथ क्या संभावना आती है इसको भी देख लिया जाए। ठीक है, पुट के साथ प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो सिंपल पुट ऑन का मतलब होता है वेट गेन करना, जब आप
अपने बॉडी का या किसी भी चीज का वेट को गेन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुट ऑन। कपड़ा पहनते हैं तो पुट ऑन, ठीक है, क्लॉथ्स पहनते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पुट ऑन का। लेकिन पुट ऑफ एक आता है आपका पुट अप। पुट अप का प्रयोग कहाँ पे होता है भी समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे दिया है कि आई सेल पुट ऑन अ नोट। जब भी आप किसी भी चीज के नोट्स की बात करते हैं, ठीक है, इस संबंध में, तो वहां पे पुट अप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पुट अप का। आई सेल पुट अप अ नोट इन दिस रिगार्ड। मैं इस संबंध में एक क्या कर रहा हूँ, नोट को पुट अप कर रहा हूँ। गेन मतलब गेन माने प्राप्त करना होता है। 24 नंबर, नन कुड डेयर टू इनक्रोच ऑन हिज राइट्स। कहता है नन कुड डेयर टू और इनक्रोच ऑन, दो आपका यहाँ पे है, करेक्ट है। अब यहाँ पे गौर किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, इनक्रोच जो आप देख रहे हैं, इनक्रोच, इनक्रोच के साथ ऑन का प्रयोग नहीं होता है, अपॉन का प्रयोग होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन 25 है, द फादर ब्रॉट द स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हिज फाइव चिल्ड्रन। आप ही बताइए, फाइव चिल्ड्रन है, ये दो से ज्यादा है, क्या बिटवीन का प्रयोग होता, यहाँ पे किसका प्रयोग होना चाहिए था, अमंग का होना चाहिए था, ऑप्शन सी आपका ऊपर वाला फिर से बताइए। 24 नंबर, पुट के साथ ऑफ लगेगा, किसी भी नोट्स के संबंध में कोई बात होती है तो पुट अप होता है, पुट ऑन नहीं होता है, करेक्ट है। रमन डेवलप्ड द हैबिट फॉर स्लीपिंग लेट व्हेन ही वाज स्टेइंग इन द हॉस्टल। जब वो हॉस्टल में रह रहा था तो रमन ने क्या कर लिया, एक विकसित कर लिया, आदत बना लिया था स्लीपिंग लेट, किस चीज का, देर से सोने का। तो आपका मन क्या कहता है से बता दीजिए। यहाँ पे हैबिट के साथ जो इसमें क्या प्रयोग किया देख सकते हैं आप लोग, हैबिट के साथ क्या लगाया है, फॉर लगाया है, जबकि हैबिट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, हैबिट ऑफ, क्या होता है, हैबिट ऑफ। कोई दिक्कत, तो ये बनाने का एक तरीका, जब तक फिक्स प्रीपोजिशन याद नहीं रहेगा, प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना आसान होगा क्या, नहीं होगा।